क्योंकि खेत को पानी की जरूरत है, क्योंकि 60% खेती बारिश पर आधारित है। तो भारतीय कविता बारिश को बुलाने वाली होती है और अंग्रेजी कविता बारिश को भगाने वाली होती है, क्योंकि इंग्लैंड में मौसम खराब रहता है, कभी भी बारिश आती है, इसलिए वहां के बच्चे कहते हैं रेन रेन गो अवे, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं। इंग्लैंड में 3 W होते हैं जिनका भरोसा नहीं होता, वेदर माने मौसम, कभी भी बदल जाएगा। दूसरा W वाइफ, उसका बिल्कुल भरोसा नहीं, सवेरे आपकी है, शाम को किसी और की है, कल किसी और की है, परसों किसी और की है। और तीसरा W होता है वर्क, जिसका कोई भरोसा नहीं, 20 साल आप किसी के यहां नौकरी कर रहे हैं, एक दिन में पिंक स्लिप देगा, भगा देगा। तो वाइफ वेदर वर्क का भरोसा नहीं। भारत में ये तीनों ही पक्के, वेदर तो एकदम पक्का है, इस देश बारिश में बारिश होगी, सर्दी में सर्दी होगी, जाड़ों में जाड़ा पड़ेगा, शरद में शरद होगा, बसंत में बसंत आएगा, वेदर एकदम पक्का है। और वाइफ तो सबसे ज्यादा पक्की है, साथ साथ जन्म तक साथ नहीं छोड़ती, इतनी पक्की वाइफ तो दुनिया में कहीं नहीं। और वर्क भी पक्का है इस देश। तो यहां तो बिल्कुल उल्टा मामला है, हमारी कविताएं तो ऐसी होनी चाहिए जैसा हमारा स्वभाव, जैसी हमारी परंपरा, जैसा हमारी संस्कृति, जैसी हमारी सभ्यता। अंग्रेजों की कविताएं हम क्यों सीखें, क्यों सिखाएं? तो ये मूर्खता बंद करिए अपने जीवन से, ये अंग्रेजियत का भूत उतार दीजिए अपने जीवन से। व्यक्तिगत बातचीत में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कम से कम करिए, कम से कम करिए। रौब मत झाड़िए दूसरों पर अंग्रेजी बोलकर, गलत सलत तो बिल्कुल मत बोलिए, टांग मत तोड़िए अंग्रेजी की, उनकी भाषा है, उनको मुबारक हो। और इस भाषा के बारे में 2-3 गलत फहमियां दिमाग से निकाल दीजिए, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है। 200 देश हैं, उनमें से सिर्फ 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, बाकी कहीं अंग्रेजी नहीं। फ्रांस में फ्रेंच है, जर्मनी में जर्मन है, रूस में रशियन है, जापान में जापानीज है, चीन में चाइनीज है, हॉलैंड में उनकी अपनी भाषा है, डेनमार्क में डेनिश है, सब देशों की अपनी भाषाएं हैं। अंग्रेजी सिर्फ उन्हीं देशों में है जो अंग्रेजों के गुलाम थे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, ये सब अंग्रेजों के गुलाम देश हैं, इसलिए अंग्रेजी, बाकी नहीं है। और अंग्रेजी दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है, क्योंकि शब्दों की संख्या सबसे कम है और व्याकरण इसका सबसे ज्यादा मूर्खता वाला है। यूनाइटेड नेशंस में भी अंग्रेजी नहीं चलती, वो फ्रेंच में काम करते हैं। एक बार मैंने पूछा उन लोगों को कि आप अंग्रेजी में काम क्यों नहीं करते, उन्होंने कहा बेकार भाषा है, फ्रेंच में क्यों काम करते हैं, वो कहते हैं बहुत वैज्ञानिक भाषा है। मैं पूछा फ्रेंच की वैज्ञानिकता क्या है, तो उन्होंने मुझे इतनी गहरी बात कही, उन्होंने कहा कि फ्रेंच में शब्द रूप और धातु रूप दोनों अलग अलग हैं। तो मैं पूछा ये कहां से आपने सीख लिया, उन्होंने कहा ये हमने संस्कृत से सीख लिया, क्योंकि संस्कृत में शब्द रूप और धातु रूप अलग अलग। संस्कृत दुनिया की सब भाषाओं की मां है, इसलिए संस्कृत सीखिए, लोगों को सिखाइए, संस्कृत बोलिए, लोगों को बुलवाइए, हिंदी सीखिए, हिंदी सिखाइए, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सीखिए, सिखाइए, इस अंग्रेजी की टांग मत तोड़िए। फिर आप बोलेंगे जी दुनिया में व्यापार करना है तो अंग्रेजी चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। जापान के लोग सारी दुनिया में व्यापार करते हैं जापानीज में, जर्मनी के लोग सारी दुनिया में व्यापार करते हैं जर्मन में, रूस के लोग सारी दुनिया में व्यापार करते हैं रशियन में। अगर वो ये सब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं हिंदी में और संस्कृत में। अंग्रेजी सिर्फ उन्हीं लोगों को सीखनी चाहिए जो इंग्लैंड जाएं, और जब जाएं वीजा मिले तो सीख लेना, अभी से क्यों दिमाग खराब कर रहे हो अपना। और इंग्लैंड जाने का वीजा 115 करोड़ को तो मिलने वाला है नहीं, तो जबरदस्ती बचपन से क्यों सिखा रहे हो इन सबको। और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम जानते हैं क्या होता है, जब मार मार के किसी बच्चे को आप अंग्रेजी सिखाते हैं, उसकी जिंदगी का 6 गुना समय आप बर्बाद कर देते हैं। जो बात बच्चा मातृभाषा में 1 घंटे में सीखता है, वही बात अंग्रेजी में सीखने में 6 महीने लग जाते हैं उसमें। कितना समय बर्बाद किया आपने उसे। मैंने एक दिन हिसाब निकाला, सारा पाठ्यक्रम हम हिंदी में कर दें, मातृभाषा में कर दें, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई 2 साल में हो जाती है, मेडिकल की पढ़ाई 1.5 से 1.75 साल में हो जाती है, इतना समय हम बचा सकते हैं।
पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक अंग्रेजी हटा दी जाए तो जितना 12 साल में हम बच्चों को सिखाते हैं वो 2 साल में सिखा सकते हैं, समय बचा सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं, तनाव कम कर सकते हैं दिमाग का। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरी शिक्षण व्यवस्था इस देश में मातृभाषा में हो, बचपन से लेकर उच्च शिक्षा तक, और अंग्रेजी का प्रयोग इस देश में खत्म हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में चाहे हाई कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट में हम मुकदमा करें तो मैं हिंदी जानता हूं, जज को भी हिंदी आनी चाहिए, और जज अगर हिंदी नहीं जानता तो उसको सुप्रीम कोर्ट में लाने की जरूरत क्या है? जिनको हिंदी आती है उनको जज बनाओ, और जिनको हिंदी आती ही नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं, उनको सबको लंदन भेजो, इंग्लैंड भेजो, वो इस देश के किस काम के? पैसा हिंदी वासी लोगों के खून पसीने की कमाई के टैक्स का लेंगे और न्याय अंग्रेजी में देंगे, ये कौन सी व्यवस्था? न्याय भी हिंदी में देना पड़ेगा। वादी को हिंदी आती है, प्रतिवादी को हिंदी आती है, जज को भी हिंदी आनी ही चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? भारत में नहीं आएगी तो किस देश में आएगी? तो न्याय व्यवस्था में हिंदी, प्रशासन व्यवस्था में हिंदी, संसद में भी हिंदी होनी चाहिए। मुझे तो बहुत नेताओं पर क्रोध आता है, वोट मांगने के लिए जब वो आते हैं तो मातृभाषा में आपसे बात करेंगे, गधे को बाप बनाएंगे, संसद में चुनकर ही पहुंचते हैं तो गिटपिट अंग्रेजी बोलना चालू कर देते हैं। किसके लिए संसद चलाते हैं? 1% लोगों को इस देश में अंग्रेजी समझती है, 99% लोगों को नहीं समझती। संसद में किसको सुनाने के लिए अंग्रेजी में बात करते हैं? मुझे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात याद आती है, वो कहा करते थे कि यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में जाके हिंदी बोलना आसान है, भारत की संसद में हिंदी बोलना बड़ा मुश्किल का काम है, इतनी अंग्रेजियत हमारे देश में आ गई। अटल जी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में धारा प्रवाह भाषण दिया था, वो कहते हैं कि यहां झकमार के अंग्रेजी में बोलना पड़ जाता है अपनी संसद। ये शर्मनाक स्थिति बदलनी पड़ेगी हमें। मातृभाषा में सारे काम हमें करने हैं। हमें हमारे जीवन में कुछ संकल्प लेने हैं, वो ये, हम भारतवासी हैं तो भारतीय भाषाओं में अपने जीवन को चलाएं, भारतीय भूषा पहनना शुरू करें, ये अंग्रेजी भूषा छोड़ें। मुझे तो बड़ी शर्म लगती है, इस देश के लोग क्या मूर्खता करते हैं। अंग्रेज चले गए, उनकी भूषा पकड़ के रखी हुई है, टाई कोट पैंट और काला कोट, भयंकर गर्मी में और गर्मी देने वाला। इस देश के वकीलों को देखता हूं, जून की भयंकर गर्मी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में अदालत में अंधाधुंध बहस करते हैं, काला कोट चढ़ाकर और टाई लगाकर, पसीना पसीना अंदर से होता रहता है, कोट पर पसीना जमता रहता है, कोट सफेद सफेद हो जाता है, उसको उतारो तो 10 मीटर दूर बदबू आती है उस पसीने की, इसको उतार के क्यों नहीं फेंक देते इस काले कोट को? अंग्रेजों के जमाने में काला कोट होता था, अब अंग्रेजों के जाने के बाद काले कोट का मतलब क्या? हटाओ इसको। कभी कभी मैं ऐसे दृश्य देखता हूं, आप भी देखते होंगे, एक बारात जा रही है, बारात में दूल्हे राजा 3-पीस सूट और टाई लगा के घोड़े पे चढ़कर बैठे हुए हैं, मूर्खों के मूर्ख, सुपर इडियट। शादी वाले दिन इतनी इडियोसिटी, इतनी मूर्खता की जरूरत क्या? और जून की भयंकर गर्मी में दूल्हे राजा घोड़े पर 3-पीस सूट लाद के चढ़े हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं, ससुराल में जाके चिल्लाते एसी लाओ, कपड़े उतार के फेंक दो, एसी की जरूरत क्या है? और उस दूल्हे राजा को मैं कहता हूं, भाई तुम 3-पीस सूट और टाई लगा के अपनी दुल्हन को लेने आए हो तो अपनी दुल्हन को स्कर्ट पहना के लेके जाओ, तब तो समझ में आता है। क्योंकि अंग्रेज आदमी जब सूट और टाई पहनता है तो उसकी पत्नी स्कर्ट पहनती है, तब तो दोनों एक जैसे हैं ना। हम कहते हैं पति पत्नी गृहस्थी के 2 पहिए हैं, एक पहिया साइकिल का, दूसरा ट्रैक्टर का, कैसे चलेगी ये? एक को तो 3-पीस सूट और पहना दिया टाई, और पत्नी को साड़ी में, तो पत्नी को स्कर्ट में रखो, तुम 3-पीस सूट और टाई में रहो, या तुम पत्नी को साड़ी में रखते हो तो खुद धोती कुर्ता क्यों नहीं पहनते? भारतीय पोशाक कितनी अच्छी पोशाक है, धोती कुर्ता पजामा खुला रहता है ना, अंदर हवा जाती रहती है, पतलून एकदम टाइट पहन लेते हैं और जीन्स चढ़ती नहीं है,
तो जमीन पर लेट जाते हैं, 45 डिग्री पे पांव उठा के खींच खींच के चढ़ाते हैं, ऐसी टाइट जींस पहन के बैठे, और चढ़ गई तो उतरती नहीं है, और कई बार उसके साथ बहुत कुछ उतर जाता है। ऐसे मूर्ख लोग इस देश में कहां से आ गए? अंग्रेजी भूषा छोड़ो, अंग्रेजी भाषा छोड़ो, सब कुछ बंद करो, ये अंग्रेजों का, खत्म करो इसको, ये ठीक नहीं। हम भारतीय हैं, भारतीय भाषा इस्तेमाल करें, भारतीय भूषा इस्तेमाल करें, भारतीय भोजन इस्तेमाल करें। हमारा भोजन अपने बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, रोटी चावल दाल सब्जी इडली सांभर रसम उत्तपम बड़ा, ये सब पिज्जा बर्गर हॉट डॉग कोल्ड डॉग चाउमीन, ये सब अंग्रेजी भोजन। और विचित्र विचित्र नाम है, हॉट डॉग गरम कुत्ता, कोल्ड डॉग ठंडा कुत्ता, खा रहे हैं उसको। यह क्या मूर्खता का भोजन है। एक वो डबल रोटी होती है पाव रोटी, जो सड़े मैदे से बनती है, आप कभी अगर बनता हुआ देख लें तो उसको छू नहीं सकते, इतनी गंदे तरीके से वो बनती है। मैदे को सड़ाते जाते हैं, फर्मेंट करते हैं, फिर उससे डबल रोटी, बीच से काटते हैं, कुछ सलाद भर दिया, खीरा ककड़ी, फिर कहते हैं हॉट डॉग हो गया, कोल्ड डॉग हो गया। क्या मूर्खता, अपने पास इडली सांभर रसम उत्तपम, इतनी वेराइटीज इस देश में है, यूरोप और अमेरिका में तो कुछ नहीं है, पाव रोटी डबल रोटी यही खाते हैं पूरे देश में, 24-25 देशों में एक ही भोजन है, और कुछ है ही नहीं। गेहूं है, गेहूं से आटा बनाते हैं, आटे को मूर्ख लोग रोटी नहीं बना पाते क्योंकि रोटी बनाना नहीं आता। पूरे यूरोप में अमेरिका में किसी को रोटी बनाना नहीं आता, भारत की हर मां और बहन को आता है, यूरोप की किसी स्त्री को नहीं आता। वो आटा दे दो उनको गेहूं का और कहो रोटी बनाओ, तो इतना पानी डाल के उसको सान सुन के रख देते, पता ही नहीं है कि कितना पानी डालते हैं, कितना रेशियो, कितना प्रोपोर्शन। मैंने तो यूरोप में ऐसी मूर्ख माताएं देखी हैं, दही जमाना नहीं आता उनको। हाँ, वो दही का पाउडर ले आते हैं, पानी में घोल के पी जाते हैं, ना दही ना मट्ठा। हमारे घर की हर मां को दही बनाना आता है, और सब्जी बनाना किसी को नहीं आता। बाजार से बनी बनाई सब्जी डब्बे में लाते हैं, प्लेट में रख के ऊपर से नमक डाल के खा जाते हैं, सब्जी बनाना नहीं आता, दाल बनाना नहीं आता, रोटी बनाना नहीं आता। हमको सब कुछ आता है, टेक्नोलॉजी में हम उनसे बहुत ऊंचे हैं। गेहूं का एक आटा जिसको किसी भी भारतीय माँ और बेटी या बहन को दे दो, उससे 50 किस्म की चीजें वो बना सकती है, पूरी बना सकती है, कचौरी बना सकती है, पराठा बना सकती है, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, फिर मटर का पराठा, पता नहीं कितने तरह के पराठे, कितनी तरह की पूरी, कितने तरह की कचौरी। एक दिन मैंने हिसाब निकाला, मैं भारत में जन्म ले लिया उस दिन से और जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन तक, हर दिन एक नया स्वादिष्ट व्यंजन बना के इस देश में मैं खा सकता हूं, वो यही संभव है, किसी दूसरे देश में संभव नहीं। इतनी व्यंजन की विभिन्नता इस देश में कहीं नहीं। और मुझे तो लगता है कि भारत में सबसे बड़ी शोध अगर हुई है तो रसोई घर में हुई है और कहीं नहीं हुई। इतना अच्छा रसोई घर हमारे पास, फिर हम पिज्जा बर्गर हॉट डॉग कोल्ड डॉग चाउमीन के लिए परेशान हो। वो चाउमीन तो पता नहीं कैसे लोग खा जाते हैं, एकदम सड़े हुए मैदे की चीज। खानी है तो सिवई बना के खा लो अपने घर में, चाउमीन से अच्छी है। तो भोजन भारत का करो, भाषा भारत की बोलो, भूषा भारत की रखो, भजन भी भारत का करो, संगीत भी भारत का सुनो। ये विदेशी संगीत में कुछ रखा नहीं। वो माइकल जैक्सन मर गया, भला हो भगवान ने उसको बुला लिया। वो एक डांस करता था, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वो एक्सरसाइज है कि डांस है। विचित्र विचित्र तरीके से टांग को फेंकना, हाथ को इधर उधर फेंकना, उससे अच्छी तो हमारे यहां कसरत होती है और डांस है। और कुछ समझ में नहीं आता, लोग देखते हैं। और गाता था तो बिल्कुल नहीं समझ में आता कि गा क्या रहा है, ना शब्द समझते हैं ना अर्थ समझता है। कुछ मूर्ख लोगों को उसी में डूबने में मजा आता है, रैप म्यूजिक पॉप म्यूजिक, पता नहीं कहां का सिर कहां का पैर। अपना संगीत कोई कमजोर नहीं है दुनिया में, बेहतरीन संगीत है इस देश में। हमारे संगीत की गहराई देखो,
कि एक एक समय के लिए एक एक राग की व्यवस्था है, गर्मी में अलग, सर्दी में अलग, जाड़े में अलग, बसंत में अलग, शिशिर में अलग, हर ऋतु में अलग राग। और ऋतु में ही नहीं, समय के हिसाब से सुबह का राग अलग, दोपहर का राग अलग, शाम का अलग, रात का अलग। भैरवी सुबह ही गाया जा सकता है, भैरव शाम को ही गाया जा सकता है। इतनी बारीकी से जिस देश में संगीत बना हो, उस देश के लोग विदेशी संगीत के पीछे क्यों फंस रहे हैं? छोड़ो ये विदेशी संगीत, विदेशी भाषा। कोई जरूरत नहीं है, फालतू में हम उनका उपयोग कर रहे हैं। पेप्सी कोला, कोका कोला दोनों विदेशी है, हम इसको पी रहे हैं, लोगों को पिला रहे हैं। होता है टैक्स देकर वो 10 रुपए यहां से लूट ले जाते हैं। एक बोतल पेप्सी कोका कोला पिए, 10 रुपए अमेरिका चला जाता है। अब हर साल 700 करोड़ बोतल पीते हैं, 7000 करोड़ अमेरिका चला जाता है। अब ये पैसा जो भारत से अमेरिका चला जाता है, अमेरिका वो पाकिस्तान को दान में दे देता है, पाकिस्तान आतंकवादियों को दान में दे देता है, आतंकवादी उससे बम बना लेते हैं और भारत में लाकर उनको फोड़ देते हैं, और हम पेप्सी पीते हुए भारत माता की जय बोलते रहते हैं। पीने लायक नहीं है ये। बहुत लोगों को मैंने कहा क्यों पी रहे हो, कुछ मजा आता? कहते मजा नहीं आता, नाक में जलन होती है, आंख में जलन होती है, गले में जलन होती है, खट्टी खट्टी डकारे आती हैं, आंख से आंसू निकल आते हैं, फिर भी मूर्खों के मूर्ख पीते ही रहते हैं उसको। पेप्सी कोला कोका कोला बनता है फॉस्फोरिक एसिड से, और यही फॉस्फोरिक एसिड से संडा साफ करने वाला फिनाइल भी बनता है, हार्पिक भी बनता है। एक बार मेरे घर में मैंने एक परीक्षण किया था, पेप्सी कोक से मेरे घर का टॉयलेट साफ किया था, बहुत अच्छा साफ होता है। मैंने क्या किया, एक महीने तक मेरा टॉयलेट साफ नहीं किया, वो खूब गंदा हो गया, पीला पीला कचरा जमा हो गया। पेप्सी कोला की एक बोतल लाया, टॉयलेट पॉट पे गिराया, 20 मिनट के बाद पानी से धोया, टॉयलेट पॉट झक सफेद, एकदम व्हाइट एंड व्हाइट। उस दिन से मैंने एक विज्ञापन शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। अब हम उसे पीते हैं और घर में आने वाले अतिथि को भी पिलाते हैं। एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता होता है, देवताओं को ही संडा साफ करने का पानी पिलाते रहते हैं, और कुछ अतिथि तो इतने मूर्ख आते हैं कहते हैं ठंडा लाओ माने टॉयलेट क्लीनर पिलाओ हमको। क्यों पी रहे हैं, बेकार है, छोड़ दीजिए। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं, मैं महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में रहता हूं, वर्धा, हिंगनघाट, नागपुर, चंद्रपुर, उस इलाके में कपास की फसल बहुत होती है। कपास की फसल पे कीड़े बहुत लगते हैं, उन कीड़ों को मारने के लिए किसान पेप्सी कोला स्प्रे करते हैं और कीड़े मर जाते हैं, क्योंकि पेप्सी कोक में जहर है, क्लोरोपाइरीफॉस, एंडोसल्फान, मेलाथियान, डाइक्रोमेट, मोनोक्रोटोफॉस, ये सब जहर जो कीड़े मारने के काम आते हैं वो पेप्सी कोक में, मत पियो ये जहर है। फिर आप बोलोगे क्या पिए, भारत का देशी गन्ने का रस पियो ना, संतरे का रस, मौसमी का रस, गाजर का रस, टमाटर का रस, गाय का दूध, दही की लस्सी, कुछ नहीं मिले तो घड़े का पानी, सस्ता है, क्वालिटी में अच्छा। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। इसी तरह से वो कॉलगेट क्लोजअप है ना, ये विदेशी है, इसको छोड़ दो, इसकी जगह नीम का दातुन करो, बबूल का दातुन करो। ये जो कॉलगेट है ना, इसमें एक केमिकल है, उसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट, वो कैंसर करता है। अमेरिका में कॉलगेट टूथपेस्ट पर चेतावनी लिखी होती है, कॉलगेट करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि उसमें कैंसर करने वाला केमिकल है। आप छोड़ो इसको, दातुन करो नीम का, बबूल का। और कॉलगेट कितना महंगा है, 30 रुपए का 100 ग्राम, 300 रुपए किलो, बादाम है 200 रुपए किलो, टूथपेस्ट 300 रुपए किलो। और हम पढ़े लिखे मूर्ख लोग क्या कर रहे हैं, 300 रुपए किलो का पेस्ट मुंह में रगड़ते हैं और वॉश बेसिन में थूकते, और 150 रुपए किलो घी रोटी पे लगा के खाते और कहते हैं हम बहुत स्मार्ट हैं। मैं कहता हूं और थोड़े स्मार्ट बनो। तो वो पूछते हैं क्या करें, मैं कहता हूं ये 300 रुपए किलो का पेस्ट थूकते क्यों हो, इसी को रोटी पे लगा लगा के खा लो, क्योंकि गाय के घी से महंगा है। ये मूर्खताएं छोड़ दो आप, 300 रुपए किलो का पेस्ट खरीद रहे हो, बंद करो। दातुन खरीदो ना मुफ्त की, फोकट की, नहीं तो दंत मंजन कर लो, लाल दंत मंजन, काला दंत मंजन।
अब तो हमारा दिव्य योग दंत मंजन भी है, वो ही ले लो, कम से कम पैसा स्वामी जी के ट्रस्ट में तो जाएगा, तो भारत स्वाभिमान के काम आएगा। आप कॉलगेट को दे दोगे वो अमेरिका चला जाएगा। और आपको एक गहरी बात बताता हूं, कॉलगेट क्लोजअप पेप्सोडेंट सिवाका फॉरेंस ये सभी टूथपेस्ट मरे हुए जानवरों की हड्डियों से बनते हैं, और सवेरे ही सवेरे इनको आप मुंह में रगड़ते हैं, धर्म का नाश कर लेते हैं। उपवास करने वाले तो जरूर रगड़ते हैं ये हड्डियों का चूरा, आप बंद करो इनको। फिर दाढ़ी लगाने के लिए विदेशी क्रीम मत खरीदो, पामोले वोल्ड स्पाइस रेसमेक शल्टन डिटॉल। फिर आप कहोगे दाढ़ी कैसे बनाए, थोड़ा दूध ले लो, चेहरे पे मालिश करो, रेजर चलाओ, बहुत चिकनी दाढ़ी बनती। मैं 15 साल से बनाता हूं, 4 फायदे हैं। पहला, दूध लगाओ तो चेहरा चिकना होता है, रेजर आसानी से चलता है तो ब्लेड ज्यादा दिन काम करता है। दूसरा फायदा, दूध लगाओ तो गंदगी निकाल देता है, चेहरे से गंदगी निकलेगी, कील मुहासे नहीं होते। तीसरा है, चेहरे पर दूध लगाओ चेहरा चमकता है, मुफ्त में स्मार्ट हो जाओगे आप सब। और चौथा फायदा कि दूध से दाढ़ी बनाओ तो दूध की बिक्री बढ़ेगी, मुनाफा किसानों को मिलेगा, पैसा इस देश में रहेगा। पामोलिव की बिक्री बढ़ेगी तो पैसा विदेश जाए। मेरा एक और निवेदन है कि आपको नहाना है तो साबुन विदेशी मत लाओ, लक्स लाइफ बॉय रिलैक्सोना पियर। एक साबुन है विदेशी डव, 40 रुपए का 100 ग्राम, 400 रुपए किलो। हम रगड़ते हैं और नाली में बहा देते हैं उसको, 400 रुपए किलो। अब मैं कई लोगों से कहता हूं डब से क्यों नहाते हो, तो लोग कहते हैं ये दूध का बनाया हुआ साबुन है। अरे मूर्ख लोगों, दूध से ही नहा लो, दूध के साबुन से क्यों नहा रहे हो। अपने देश में किसी भी बड़े बुजुर्ग के हम पांव छुए हैं तो क्या कहते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। तो इतनी तो सुनो बुजुर्गों की, दूध से नहाओ। कभी किसी बुजुर्ग ने यह कहा लक्स लगाओ पूतो फलो, लाइफ बॉय लगाओ पुत्रियां फलो? सब कहते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो, तो दूध से नहाओ। आपको मालूम है महाशिवरात्रि में शंकर भगवान को किससे नहलाते हैं, दूध से कि लक्स से? अब शंकर जी दूध से नहाते हैं तो भक्त लोग क्यों नहीं नहा सकते? आप नहाओ दूध से। दूध से नहाने का फायदा बहुत है, पहला कि दूध की बिक्री बढ़ेगी, पैसा किसानों को मिलेगा। दूसरा फायदा, दूध से नहाओ तो गंदगी निकल जाती है सारी। दूध जो है ना बेस्ट क्वालिटी क्लिंजिंग एजेंट है, जितने बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर्स है ना वहां सब जगह मिल्क क्लिंजिंग होता है, और वो 500 रुपए में करते हैं, मैं फोकट में बता रहा हूं आप। और दूध से नहाने के लिए 2 चम्मच दूध ले लो, गर्म नहीं करना, कच्चा दूध, शरीर पे रगड़ लो, मालिश कर लो, पानी से नहा लो, सारा मैल और गंदगी निकल जाता। चने के आटे से नहा लो, बेसन से, मुल्तानी मिट्टी से नहा लो, मुल्तानी मिट्टी से बाल भी धो लो। और जो साबुन ही खरीदना है तो हमारे पतंजलि योगपीठ का कुछ बुरा नहीं है, सौम्या साबुन आया है, बहुत अच्छा है, उसका पैसा ट्रस्ट में जाता है और डब का पैसा अमेरिका जाता है। आप तय कर लो कहां भेजना है। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करो। जिंदगी में कभी भी बीमार पड़ो अंग्रेजी दवा मत खाना, कभी आयुर्वेदिक दवाएं खाना, स्वदेशी दवाएं खाना। एलोपैथी की सारी दवाएं जहर हैं, एक दवा खाओगे दूसरी बीमारी, दूसरी खाओगे तीसरी बीमारी, तीसरी खाओगे चौथी बीमारी, इसलिए आयुर्वेदिक दवाएं खाओ। और हम तो ये कहते हैं बीमारी मत पड़ो, रोज सुबह योग करो, प्राणायाम करो। आधा घंटे अगर 40 मिनट भी आपने प्राणायाम कर लिया, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, तो जिंदगी में बीमारी आती नहीं है। करोड़ों लोगों के ऊपर ये सिद्ध हो चुका है, परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने प्राणायाम करा करा के ही लोगों को ठीक कर दिया, इस देश गंभीर बीमारियों से ठीक कर दिया। हृदय की बीमारियां, वो ब्लड प्रेशर की हो, हाई और लो, हृदय घात की हो, डायबिटीज की हो, ऐसी सैकड़ों बीमारियां प्राणायाम से ठीक हो रही हैं। आप भी नियमित प्राणायाम करो। यहां तो योगपीठ के कार्यकर्ता हैं, ये आपको मुफ्त में सिखाते हैं, निशुल्क में सिखाते हैं, इनकी कक्षाएं आप कहीं भी लगा सकते हो, बीमार पड़ने से आप बचो। और थोड़ा खान पान का ध्यान रखो, बीमार पड़े तो आयुर्वेदिक दवाओं का ज्यादा से उपयोग करो। तो विदेशी भाषा बहिष्कार करो, विदेशी भूषा, विदेशी भेषज, विदेशी वस्तुएं, सब विदेशी चीजों का बहिष्कार करके, स्वदेशी का अंगीकार करके, भारत के शहीदों के सपनों को साकार करो। भगत सिंह का यही सपना था,
चंद्रशेखर का यही था, महात्मा गांधी का यही था, लाला लाजपत राय का यही था, विपिन चंद्र पाल का यही था। ये सारे क्रांतिकारी भारत को स्वदेशी बनाना चाहते थे और अपने अपने जमाने में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की हर वस्तु का बहिष्कार किया था। आज फिर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हमें करना है। दो काम हमें करने हैं। पहला, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट जो हमने बनाया, इसके साथ आप जुड़ जाओ, हमारी ताकत बन जाओ, और हमारी ताकत जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हम ये काम कर पाएंगे। हमें भारत स्वाभिमान में 5 करोड़ लोगों को सदस्य बनाना है, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। और ये ताकत जिस दिन खड़ी हो जाएगी, हम हिंदुस्तान की पूरी राज्य व्यवस्था को, कृषि व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को, सबको बदल देना चाहते हैं, इस देश में एक ऐसी क्रांति लाना चाहते हैं। आप अगर भारत स्वाभिमान के सदस्य बने तो ये बहुत आसान है, एक फॉर्म मिलता है, आप उसको भर के दे दो, स्थानीय संचालन समिति के पास वो फॉर्म उपलब्ध है। उसमें दो तरह के सदस्य हैं, एक साधारण सदस्य हैं जिनको 51 रुपये शुल्क देना है, एक विशेष सदस्य हैं जिनको 1100 रुपये दान देना है। आपका 51 और 1100 रुपये हमारे ट्रस्ट में आता है और ट्रस्ट के द्वारा वो देश के काम के लिए खर्च किया जाता है, किसी के व्यक्तिगत हित में उस पैसे का उपयोग नहीं हो सकता, ट्रस्ट का ऐसा नियम है। आप सदस्य बनेंगे, हमें थोड़े से फंड्स मिलेंगे, हम देश के लिए उनका उपयोग करेंगे। और आप सदस्य बनेंगे तो हमारी ताकत बड़ी होगी, और जिस दिन राजनीतिक दलों की ताकत से ज्यादा हमारी ताकत होगी, उस दिन जो हम कहेंगे राजनीतिक दल वही करेंगे, जो हम कहेंगे वही कानून बनेंगे, जो हम कहेंगे वही नियम बनेंगे। ऐसा देश हमें बनाना है, जिस देश को बनाने के लिए लाखों करोड़ों शहीदों की कुर्बानी हुई है, वही देश अब आगे बने, ऐसी भावना हमारी है। हम स्वदेशी हों, व्यक्तिगत जीवन में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, भाषा स्वदेशी हो, भूषा स्वदेशी हो, भोजन स्वदेशी हो, भजन स्वदेशी हो, और सार्वजनिक जीवन में व्यवस्था बदलने के लिए भारत स्वाभिमान जैसे संगठन के हाथ मजबूत करें। इस भावना के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, और विशेष आभारी रहूंगा आयोजन समिति का, जिन्होंने मुझे अमर शहीद तात्या टोपे की शहादत स्थली पर बुलाया, इस माटी को नमन करने का, वंदन करने का मुझे मौका दिया, इस माटी को चरण स्पर्श धूलि वंदन करने का मुझे मौका दिया। मैं आयोजकों का बहुत आभारी हूं, अपनी टीम का आभारी हूं, और आपका आभारी रहूंगा कि जो कुछ आपने सुना वो दूसरों को सुनाए, जो विचार मैंने दिया वो दूसरों को